सो गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी के टाइम में गेम खेलते हुए बहुत सारे लोगों को यार एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि हम लोग जब भी अपने फोन में गेम खेल रहे हैं तो उनका गेम का जो भी पिन है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है या पिन हाई नहीं हो रहा, पिन ऐसे नॉर्मल चल रहा है। लेकिन तो भी सब भाई उन लोग जब भी ग्लू वॉल लगाते हैं तो यार ग्लू वॉल लगाते हैं तो किसी और टाइम पर हो, लेकिन यार लगता किसी और टाइम पर है। और जब भी आप लोग यार किसी बंदे को मारते हो तो यार मारते तो किसी और टाइम पर हो, लेकिन यार मरता किसी और टाइम पर है। और इतना ही नहीं भाई, बहुत बार तो आप लोग सामने वाले बंदे को 10 बार हेड मार चुके होते हो लेकिन यार बाद में पता चलता है कि आप लोग खुद ही मर गए। इस वजह से बहुत बार फेक डैमेज वगैरह भी आता है और साथ ही साथ लूट वगैरह करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई भी सामान उठता नहीं है, उठता है तो बहुत ज्यादा लेट में, इस वजह से सब कुछ बहुत ज्यादा लेट लेट होता है जिसकी वजह से आप लोग अच्छी तरह से गेम प्ले नहीं कर पाते। आपका गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से गेम खेलने को भी मन नहीं करता। तो ऐसे में आप लोग टेंशन लुक भी मत लो, क्योंकि इसी को देखते हुए मैं आज को आप सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसमें आप सभी लोगों के यार इस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को और कोई दूसरा यूट्यूबर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करती रहिएगा। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो क्या करो मेरे भाई लोग, अगर आपका ये वीडियो पूरा देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे क्या पसंद आता है तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग अगर आप लोग ये वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। और चैनल में नए होंगे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और आगे भी फ्री फॉर रिलेटेड हेल्प वीडियो देखने के लिए। तो चलो अब इस पर तो होते ही रहेगा, आज की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, बात करें कि ऐसा कौन सा ट्रिक है जिस ट्रिक की मदद से आप लोग जब भी गेम खेलते रहते हो तो यार गेम का जो भी पिन है वो बहुत ज्यादा हाई होने लगता है या पिन हाई नहीं होता, पिन ऐसे नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन तो भी आप लोग जब भी ग्लू वॉल लगाते हो, किसी बंदे को मारते हो या लूट वगैरह करते रहते हो तो यार सब कुछ बहुत ही ज्यादा लेट लेट होता है जिसकी वजह से आप लोग अच्छी तरह से गेम प्ले नहीं कर पाते। तो अगर आप लोग यार गेम प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करना चाहते हो ना तो आप लोग गेम के सेटिंग के अंदर आज ना आते हो तो यहाँ पर आपको एक नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा, उसको आप लोग क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यार ये सेटिंग सबसे पहले तो भाई आप लोगों के फोन में ऑफ होगा, तो यार इसको आप लोग ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आप लोग जब भी गेम खेलोगे तो आप लोगों को गेम के अंदर जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम या नेटवर्क इशू देखने को मिल रहा होगा काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यार ये जो भी सेटिंग है वो तभी काम करेगा जब भी आप लोगों के फोन में वाईफाई एंड फोन डाटा दोनों एक साथ ऑन होगा, तो आप लोग दोनों को एक साथ ऑन करके ही गेम खेलना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी फर्स्ट में बेसिक सेटिंग देखने को मिल रहा होगा उसके अंदर आप लोग आते हो तो भाई यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट नेटवर्क इशू का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी सेंड रिपोर्ट देखने को मिल रहा होगा उसको क्लिक करके भाई आप लोगों को यार ये जो भी रिपोर्ट है उसको आप लोगों को डेली का 4 से 5 बार तो आप लोगों को सेंड करना ही करना है। आप लोग जब भी गेम खेलने आते हो तो आप लोग हर बार 1 से 2 बार कर लिया करो। और उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों को एक ब्राउजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसको भी यार आप लोगों को डेली का 4 से 5 बार तो क्लियर कैच करना ही करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, उसको आप लोग क्लिक करना। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्राफिक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपके गेम का जो भी ग्राफिक है उसको आप लोग स्मूथ या स्टैंडर्ड में सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग अल्ट्रा में रखकर गेम खेलोगे तो भाई आपके गेम में बहुत ज्यादा पिन हाई होगा। तो अगर आपके गेम में बहुत ज्यादा पिन हाई हो रहा हो तो भाई ऐसे में आप लोग अपने गेम का जो भी ग्राफिक है उसको आप लोग स्मूथ या स्टैंडर्ड में सिलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो भाई गेम खेलते समय आपको पिन इशू बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। तो यार ये सब तो थे गेम का सेटिंग, अब बात करें गेम के बाहर आपको क्या क्या सेटिंग करना है। तो आप लोग भाई जो भी गेम खेलते हो फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स उसका आप लोग एफ इन्फो में आकर भाई आपको गेम का एक बार फोर स्टॉप एंड क्लियर कैच आप लोग कर लेना। और इसके बाद आपके फोन के आप लोग सेटिंग इधर आ जाना, आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो भी सर्च का ऑप्शन देखने को मिला होगा वहाँ पर आप लोग रिसेट सर्च करते हो तो भाई यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क का एंड ब्लूटूथ का। तो आप लोग इसको क्लिक करना और इसके बाद नीचे में आप लोगों को जो भी रिसेट सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसको क्लिक करके भाई ये सब को आप लोग अपने फोन में रिसेट कर लेना। ये सब को करने से भाई आपका फोन तो रिसेट बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ये आपके फोन में जो भी वाईफाई मोबाइल नेटवर्क का एंड ब्लूटूथ देखने को मिलता है वो एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। और इसके बाद भाई आपके फोन के आप लोग होम स्क्रीन के अंदर आओगे सेटिंग के, तो यहाँ पर आपको एक सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का आपको सेटिंग देखने को मिल रहा है उसको आप लोग क्लिक करना। और इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग सामने 2 सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जिस भी सिम से गेम खेलते हो उसके अंदर आप लोग आज ना आते हो तो यहाँ पर आपको एक एक्सेस पॉइंट का नेम का सेटिंग देखने को मिला होगा ऑप्शन, उसको आप लोग क्लिक करना। और इसके बाद नीचे में आपको एक प्लस का आइकन देखने को मिला होगा उसको क्लिक करके भाई यहाँ पर आप लोग एक न्यू APN क्रिएट कर लेना। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी फर्स्ट हमें नेम देखने को मिला होगा उसमें आप लोग जियो 4G डाल देना। अगर आप लोग जियो का सिम यूज नहीं करते तो आप लोग जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हो जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन या जो भी, उसको आप लोग नेम डालने के बाद लास्ट हमें आप लोग 4G ऐड कर देना। और इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा APN का, तो APN में भाई आप लोग स्मॉल लेटर में आप लोग जियो नेट डाल देना। अगर आप लोग जियो का सिम यूज नहीं करते तो आप लोग जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हो उसका आप लोग नेम डालने के बाद भाई आप लोग लास्ट में नेट लगा देना और बीच में आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और आप लोग जब भी सभी स्पेलिंग को स्मॉल लेटर में ही लिखना। और इसके बाद आप लोगों को जो भी नीचे में 3 डॉट देखने को मिलेगा उसको क्लिक करके भाई आप लोग जितने भी चेंजेस किए होंगे उसको आप लोग अपने फोन में सेव कर लेना। और इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग सामने 2 APN देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग जो भी सेकंड वाला न्यू क्रिएट किए होंगे जियो 4G नेम का या और जो भी नेम का उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आप लोग
लोगों के फोन में जो भी फ्लाइट मोड देखने को मिलता है उसको अगर आप लोगों को ऑन एंड ऑफ करना है। और इसके बाद आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाता है गाइस, तो है अगर आप लोगों के फोन में कोई भी सा न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आया होगा तो आप लोग उसको सबसे पहले तो भाई अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद यार इंस्टॉल करके अपडेट कर लेना। बस आप लोग यार इतना कुछ कर लोगे और इसके बाद आप लोग जाकर गेम खेलोगे तो भाई आप लोग देखोगे अगर आप लोग फोन में गेम खेलते समय जो भी नेटवर्क इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके फोन में भाई इतना कुछ करने के बाद भी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता तो इसके बाद आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोग यार फोन टच से गेम खेलोगे जिसकी वजह से आप लोगों के फोन में बार बार नेटवर्क का इशू देखने को मिल रहा होगा तो आप लोग ट्राई करना किसी भी का वाईफाई या हॉटस्पॉट लेकर गेम खेलने का, तो आप लोगों के फोन में जो भी नेटवर्क इशू देखने को मिल रहा होगा वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। एंड इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप लोगों के फोन में जो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता तो इसके बाद लास्ट टाइम भाई आप लोगों का जो भी नेटवर्क है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप लोग जियो सिम यूज कर होंगे तो आपके एरिया में जियो सिम के अलावा और कोई भी अच्छा सा सिम चल रहा होगा जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन या आइडिया, उसको आप लोग यूज कर सकती हो। एंड बस आप लोग यार इतना कुछ कर लोगे तो भाई आपके फोन में जो भी नेटवर्क इशू या नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा वो सॉल्व हो जाएगा। एंड यही सब ट्रिक्स भाई सभी लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। तो अगर आपका भी हो जाता है तो ऐसे में प्लीज मेरे भाई लोग आप लोग की वीडियो को एक लाइक का नंबर मिलेगा और ऐसे और आगे भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल में नए होंगे तो आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब जैसे कर लेना और जो भी बेल आइकन है उसको भी और पर सेलेक्ट करना मत भूलिएगा ताकि मैं इस तरह और जब भी न्यू हेल्पफुल वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस, सपोर्टिंग, सबको स्ट्रीम में मिलेंगे। ओके बाय।